Adhi Gawahi. Hey, Basu, this is Saad and Salwa here. What are you doing? कैसे साथ? Hi. Hi. Hi guys. कैसे? Please have a seat. Yeah, sure. Follow कर रहे थे मुझे. तुझे नहीं. सिर्फ सलवा. क्या मतलब? यार ये मजाक कर रहा है. चलो तुम बताओ आंटी कैसी हैं? पुप्पू बिल्कुल ठीक है. और आजकल वो शादी की तैयारियों में बिजी हैं. किसकी शादी? मेरी और सलवा की. वाह यार, कंग्रेचुलेशंस. कब हो रही है? यार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग फाइनल एग्जाम जो है ना शादी करके दें. अच्छा लगा मुझे आपके पास. Can we eat something? बहुत भूख लग रही है. Order करें? हाँ, sure. Excuse me. Hello, Hamdan. Are you okay? Cool down, Hamdan. ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? सलवा साथ से शादी कर रही है तो क्या करोगे? दोनों को गोली मार दोगे तुम? हाँ, उन दोनों को गोली मार दूंगा अगर कोई और साथ में. पागल हो गए हो? वो सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए साथ से शादी कर रही है. वो ऐसा क्यों करेगी? उसने कोई कमिटमेंट नहीं की तुम्हारे साथ. वो जिससे मर्जी निकाह कर सकती है, समझे तुम? उसका निकाह हो चुका है मेरे साथ. हमदान, उस बेचारी को तो इस बात का पता तक नहीं है और वो कभी भी इस निकाह को नहीं मानेगी. उसे इस निकाह को मानना पड़ेगा. सुना तूने? उसको मानना पड़ेगा इस निकाह को. मामा मुझे एग्जाम तो देने दें. अरे बेटा, शादी के बाद तुम दोनों मिलके देते रहना पेपर्स. इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? बस बेटा, मैं डर गई हूं सच पूछो तो. क्यों? जब से मैं बीमार हुई हूं एकदम से मेरा बीपी शूट कर जाता है. मुझे तो अपनी जिंदगी का भरोसा ही नहीं रहा. मामा प्लीज ऐसी बातें मत किया करें. अल्लाह मियां आपको लंबी सी जिंदगी दे. सलवा, एक बात पूछूं तुमसे? पूछे. तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है मेरी बेटी हवाओं में उड़ती फिर रही है. तो फिर पूछ क्यों रही है? अल्लाह तुम्हारे बहुत नेक नसीब करे. अरे मैं राना भाभी को तो कपड़े दिखा के नहीं आई. आपको दिखा लाऊं जरा? आपको और राना मामी को तो अच्छी मसरूफियत मिल गई है. बाय द वे, खौला मामी कहाँ रहती है आजकल? पता नहीं क्यों मूड ऑफ कर रखा है. मुबारकबाद तक देने नहीं आई. अच्छा, आप टेंशन ना लें, वो खुद ठीक हो जाएंगी. आपको पता तो है उनके मूड्स का. आई नो. तुम कुछ खाओगी? नहीं. क्यों बुलाया मुझे इतनी इमरजेंसी में? बता रहा हूँ, टेंशन भी ले रहा. रिलैक्स. तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे किस चीज की परेशानी है. टेंशन मत लो. मैंने आज तक किसी से जिक्र भी नहीं किया कि वो निकाह वाली सारी बात प्री प्लान थी. आहिस्ता बोलो, मरवाओगे क्या? तू टेंशन क्यों ले रहा है? फसी यूनिवर्सिटी गया, मैं घर पे नहीं है. देख हमदान, मैंने वो सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया था, वरना मैं बिल्कुल तैयार नहीं था वो करने के लिए. जानता हूँ यार, अब इसी तरह तुझे मेरा एक और काम करना. यार मुझे और एम्बेरस ना करो, मैं पहले ही सलवा से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा. अच्छा, तो फिर ऐसा काम किया ही क्यों था तूने? हैं फसी, तू क्यों?
उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक छापा मार दूं। ये देखो कैसा है। अरे भाभी ये तो बहुत खूबसूरत सूट है। भाई हमारी सलवा किसी से कम है क्या? इस ड्रेस में तो प्रिंसेस लगेगी। बहुत ही प्यारा है। सोहा बेटा बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जा। मैं पूछने आई थी अम्मी कहाँ हैं? किचन में बिजी होगी, वहीं पर देख लो। आयशा मैं सोच रही थी कि ज्वेलर को हमने जो ज्वेलरी की ना ऑर्डर, उसको ये ड्रेस दिखाते हैं और मैचिंग स्टोन्स उसमें लगवा लेते हैं। गुड आइडिया। ले मैचिंग से मुझे याद आया, मैंने आपके कमरे में अपनी एक कमीज रखी हुई, उसके साथ अगर आपके पास कोई मैचिंग दुपट्टा हो तो। मैं दुपट्टा निकालना बिल्कुल भूल गई, अभी निकालती हूँ। चल मैं भी चलती हूँ साथ ही। अरे ठहरे मैं धागा तो काट दो। चल मैं आके संभालती हूँ। पता है कब से वो कमीज पड़ी थी, मैंने कहा मैं आपसे ले लेती हूँ दुपट्टा। हाय कैसी हो? ठीक हूँ यार। वो तुमसे काम था। क्या है? एक साइन चाहिए था तुमसे। क्यों? सेमेस्टर आगे करवाना है ना, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देनी है। ओ हाँ। बात सुनो सबसे साइन करवा देना, सलवा से भी। मैं थोड़ी देर में ले लेता हूँ। अच्छा जी ओके बाय। क्या कर रही हो यार? वो सेमेस्टर आगे करवाना है तो मैं सिग्नेचर कर रही थी, तुम ही कर दो। कहाँ करना है? यहाँ यहाँ। नोट्स कॉपी हो गए? जी दिखाइए। ये ले। थैंक यू। हाँ वैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करने में कितने माहिर हैं ना। जी वो मैं नहीं आप हैं। जी जी बिल्कुल। और सब आप दुआ कीजिए कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। अल्लाह हाफिज। राना भाभी ये क्या हुआ? आपने क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सलवा के मंगनी के जोड़े पे इतना बड़ा कट लगा हुआ है। हाय हाय ये तो बदशगुनी हो गई। अल्लाह खैर ही करे। कैसी बदशगुनी ख्वाला? आयशा को परेशान मत करो। अच्छा दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ क्या हुआ इसे। अरे तो मैंने कौन सी गलत बात की है? हमारे खानदान की बच्ची का शादी का सूट जल गया था, बाद में उसकी बारात का एक्सीडेंट हो गया। आशा क्या हुआ इसे? पता नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी सख्त टेंशन हो रही है मुझे। तो टेंशन की बात तो है, शगन का जोड़ा था। कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल है कि आयशा जिस वक्त तुम्हारी कॉलीग आई थी, तुम सिलाई का काम कर रही थी ना, मैंने बेध्यानी में ये कमीज रख दी थी कैंची के पास, अब मुझे लगता है कि उसकी नोक इसको लग गई। हाँ कैंची तो थी वहां पड़ी। तो सीधी सी बात है ये कोई बदशगुनी नहीं है, हमारी लापरवाही का नतीजा है। इससे अब कोई उल्टी सीधी बात सोचने की जरूरत नहीं भाभी। लेकिन कट भी तो बिल्कुल देखे फ्रंट पे लगा है, अब क्या करेंगे इसका? तुम इसको अलमारी में रख दो, हम इसका नया ड्रेस लेके आएंगे। नया? इतना एक्सपेंसिव जोड़ा है ये। आयशा बच्चों की खुशियों से ज्यादा तो नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो क्यों वहमों में पड़ गई हो? भाई आप लोग चाहे जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, मेरी माँ ने सदका बदका दे दें। खाला भाभी बिल्कुल ठीक कह रही,
सदका 100 बलाओं को टाल देता है। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को कह दूंगी, आते हुए सदके का बकरा ले आएंगे। लेकिन आयशा, तुमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं जरा सोहा को देख लूं, ना जाने कहां रह गई वो। ठीक हो जाएगा। अहमद बस, ये कुरियर किसका है? सलवा बीबी का था। बड़े बुके आ रहे हैं भैया आजकल तो, अभी परसों भी आया था, सोहा ने बताया मुझे। भेजने वाले का नाम क्या है? पता नहीं सर, नाम नहीं लिखा हुआ, आप खुद देखें। छोड़ भी दें अब ये तफ्तीश, चले देर हो रही है। पूछना तो चाहिए ना। लो बोलो, सलवा भी आ गई। मामी जान, सलामी को मामू। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे मामू जान तफ्तीश कर रहे हैं, परेशान हुए हैं। जरा इन्हें बता दो, ये हर तीसरे दिन फूल कहाँ से आ जाते हैं? सलवा के नाम है, इसने भेजा। तो हम क्या फारसी बोल रहे, हम भी यही पूछ रहे हैं। किसने भेजा? पता नहीं मामू जान, शायद पीछे नाम लिखा। बेटा इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा। अरे चले भी, अब खड़े खड़े यही तफ्तीश करते रहेंगे, चले देर हो रही है। जी बहुत बेहतर, आइए। मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रही हो? आई थॉट तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। व्हाट? अपनी घर की खवातीन के साथ ऐसी चीप हरकतें करूंगा मैं? तो फिर कौन कर सकता है ऐसा? सवाल ये नहीं है कि कौन कर रहा है, सवाल ये है कि तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत थी? मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया ऐसा। कम ऑन सलवा यार, मान जाओ तुम अक्सर ये इमैच्योर हरकतें करती। तो क्या मैंने बोला है किसी को मेरे घर फूल भेजो? अगर तुम मुझे स्टार्ट में बता देती उसी वक्त देख लेता मैं उसको। तो आप पता लगा लो ना। ऑब्वियसली छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। मुझसे क्यों इस फोन में बात कर रहे हो? क्योंकि सलवा गुस्सा हूं मैं तुम पर। तुम अगर मुझे स्टार्ट में बताती तो खौला चची और अजहर अंकल ऐसे मशकूक ना होते। प्लीज यार, खौला मामी के पास इस दुनिया में और कोई काम नहीं है सिवाय लोगों पर शक करने के और अजहर मामू को भड़काने के। उन सबको मैं देखूं, और इस सब के पीछे जो है ना उसको मैंने पाताल से ना निकाला, मेरा नाम भी साथ नहीं है। मेरा ख्याल है इग्नोर कर दो इस बात को। व्हाट? सलवा ये कोई बात है इग्नोर करने वाली? अच्छा बाबा, जो करना हो कर लेना, फिलहाल तो रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाऊंगा? नहीं हो सकता मैं रिलैक्स। वही तरफ कोई नजर उठाकर देखता नहीं, खून खोलता मेरा। तुम जानती नहीं हो कितना पजेसिव हूं तुम्हारे लिए। ये सब तो ठीक है साथ, लेकिन इस तरह खुद को परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सलवा सारी बातें छोड़ो, प्रॉमिस करो मुझसे आज की बात तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अच्छा नहीं छुपाऊंगी, अब बस भी कर दो प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने सलवा। मामा प्लीज, अब आप शुरू मत हो जाइएगा, मुझे ऑलरेडी साद ने बहुत सुनाई। तो कौन सा गलत किया है उसने? आप लोग इस बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? चार फूल ही तो भेजे, कोई एटम बॉम्ब तो नहीं भेज दिया? लेकिन इन फूलों की खुशबू से फैलने वाला शक तो किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं है ना। सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं कि आखिर ये है कौन, और फिर वो तुम्हें क्यों भिजवा रहा है? मामा आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? नहीं मेरी जान, ये बात ट्रस्ट की नहीं है। पहले ये घर सिर्फ तुम्हारे मामू का था। तो अब क्या हो गया? अब ये तुम्हारा ससुराल बनने जा रहा है। तो ससुराल बनने से मेरे लिए रूल्स चेंज हो जाएंगे? बेवकूफी की बातें मत करो सलवा। तो आप खुद बताएं मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा था मेरे घर फूल भेजो।
एक बार तुम मुझसे जिक्र कर देते, मैं कोई मुनासिब अल्फाज में तुम्हारे मामू मुमानी को बता देती। वो अब बता देना। अब तो तुम्हारी खाला मुमानी 12 मसाले लगा के बता भी चुकी होंगी। तो शुक्र करो ने कार्ड पे लिखी इंग्लिश पढ़नी नहीं आई। तो राना मामी ने क्या कहा? वो तो एक एजुकेटेड खातून है, उन्होंने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। फिर आप इतना टेंस क्यों हो रही है? अगर उसने ये दोबारा भिजवा दिए तो? नहीं भिजवाएगा, साथ जा रहे ना कोरियर ऑफिस चेक करने के लिए। बहरहाल मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करके ये किस्सा निपटाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे एग्जाम फ्रीज करवा लो ये सेमेस्टर। मुझे तो तरह तरह के वहम आ रहे। बस मैं आज करती हूँ बात तुम्हारी मुमानी से, वो तो ये किस्सा फौरन निपटाए। नहीं भाई, मेरे हेल्थ इश्यूज तो आपके सामने, अचानक किसी भी वक्त तबीयत खराब हो जाती है। आप प्लीज इस सिलसिले में सोचें। वो तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चों के एग्जाम हो जाते तो अच्छा था। नहीं भाई, एग्जाम्स तो चलते रहते हैं। आप मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। मैं सलवा के फर्ज से जल्द अज जल्द फारिग होना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है सर? मेरे ख्याल में तो भाईजान इसमें कोई हर्ज नहीं, एक घर ही की तो बात। हम मंगनी के फंक्शन की बजाय शादी का फंक्शन रख लेते हैं। असर भाई, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। नेक काम में आखिर कैसे? लो भाई, यहाँ तो तुम सब लोग पहले से प्लान बनाए बैठे हो। आई एम सॉरी, मैं आप सब लोगों को तंग कर रही हूँ। अरे नहीं, क्या गैरों जैसी बातें कर रही हो आयशा? नहीं, सच से मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। अच्छा तुम ये एम्बैरेसमेंट छोड़ो, काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। क्यों भाई राना बेगम? शॉपिंग की तो आप लोग बिल्कुल फिकर ना करें, हम खवातीन संभाल लेंगे। बाकी रहा शादी हॉल की बुकिंग का मामला और कार्डों का, वो आप मुझ पे छोड़ दें। बाकी रह गया मेन्यू, तो मेन्यू हम सब लोग बैठ के डिसाइड कर लें। नहीं, आप यूं ही फिक्रमंद हो रहे थे, सारे मामला तो तय हो गए हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर खैरियत से ये सारे काम कर दे तो फिर दिल को तसल्ली होगी। आमीन। मैं तो फोन करके सब खानदान वालों को खुशी की खबर सुनाऊं। तो वैसे उनके होते हुए हमें शादी के कार्ड छपवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों गई थी मेरा प्रपोजल देखने? जरूरत क्या थी आपको? ये मुझसे नहीं, अपने अब्बा से पूछो। आप ही उन्हें सुबह शाम मेरी शादी की पट्टियां पढ़ाती रही हैं। हाँ तो सारी जिंदगी माँ बाप के घर में ही बैठी रहोगी क्या? आप जो भी समझे, मुझे नहीं शादी करनी कहीं और। अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो एक मिनट में तुम्हारा इश्क का भूत निकाल कर बाहर कर देंगे। तो आप क्यों लेकर गई थी उन्हें मिसेज नुमान की तरफ? अरे बताया तो है नुमान साहब ने, खुद बात की थी उनसे। ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो अम्मी, आप भी तो मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। बेटा। हाँ भाई, ये किस बात पे झगड़ा हो रहा है माँ बेटी में? कुछ नहीं, शॉपिंग के लिए कह रही थी। तो ले जाओ इसे मार्केट। और वैसे भी इस माह के आखिर में सलवा और साद की शादी हो रही। इस महीने? आपको किसने कहा? भी अभी मैं नईम भाई के कमरे से ही तो आ रहा हूँ, आयशा ने बात की थी उनसे। फिर क्या, वो मान गए? भाई घर ही की तो बात थी। हाँ तो सोहा बेटा, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हो मुझसे मांग ले, अपनी माँ से मांगने की जरूरत नहीं है। अरे आपको पता तो है आजकल के बच्चों का, ऐसे जिद करने लग जाते हैं। अच्छा छोड़ो, आप जाकर हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ।
सलवा देखो, ये देखो ये कैसा ड्रेस है। बस ठीक है। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करती, कल तुम नगीन के साथ किसी अच्छी बुटीक पे चली जाओ और कुछ अच्छे अच्छे जोड़े खरीद लो। मामा इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ। लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम्हें अपनी मामा की खुशी अजीज नहीं है? How is that possible? ऐसा हो सकता है भला? बस तो फिर ठीक है ना, तुम वो कुछ करती जाओ जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। अच्छा बाबा आप खुश हो जाएं बस। That's my good girl. अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे कर। नईम साहब मैं सोच रही हूँ कि वो जो मेरा रूबीज का बड़ा सेट है ना, वो मैं सलवा को मुंह दिखाई में दे दूँ। आखिर एक ही तो मेरी बहू होगी। अरे भाई जो दिल में आता है करो, मुझे ये वलीमे का एस्टीमेट लगाने दो सुकून से बस। आपने नोट किया, खौला ने एक दफा भी मुबारकबाद नहीं दी, हालांकि असर भाई ने उसको जरूर बताया होगा। अरे भाई अपने कामों में बिजी होगी। फिर भी मुबारकबाद तो देनी चाहिए थी, आखिर एक ही तो बेटा है मेरा। अरे भाई तुम दिल छोटा मत करो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने में ही आफियत होती है, वरना मामलात खराब हो जाते हैं। नईम साहब मुझे लगता है कि खौला इस रिश्ते से खुश नहीं। क्यों, आपसे कुछ कहा है उसने? नहीं कहा तो कुछ नहीं, लेकिन बड़ी अजीब अजीब सी बातें करती रहती है। वो तो तुम्हें पता ही है उसका मिजाज ही ऐसा। तुम छोड़ो इस बात को, ये बताओ साद आ गया? नहीं, वो अपने फ्रेंड्स को शादी के इनविटेशन कार्ड्स देने गया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह बहुत खुश है मेरा बेटा, अल्लाह उसको नजरे बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अरे आई एम सीरियस, मैं मजाक क्यों करूंगी, वाकई मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। अच्छा अचानक क्यों? बस मामा की जिद के आगे सबको हार मानना पड़ी। लगता है तुम्हारी मामा तुमसे बहुत जल्दी जान छुड़वाना चाहते हैं। कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि शादी के बाद भी मैं उन्हीं के सर पे सवार रहूंगी। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि एग्जाम्स की इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? तुम एक काम करो, कल छुट्टी मारो और मेरे घर आ जाओ, खुद तो तुम अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा लो। और मुझ मासूम बेचारी का क्या होगा? 5-6 दिन यूनिवर्सिटी ना जाने से तुम्हें मौत नहीं पड़ जाएगी नकी। अब रात के इस वक्त इतनी खौफनाक बातें तो मत करो। आ जाऊंगी मैं कल। अच्छा ना ज्यादा बातें मत करो, साथ आ गया फिर टॉक टू मी। ओके बाय। क्या हुआ, कोरियर ऑफिस गए थे कुछ पता चला? गया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो क्यों? किसी ने फेक आईडी फेक एड्रेस फेक नंबर दिया हुआ। अब क्या होगा साथ? कुछ नहीं, मैंने गार्ड को मना कर दिया है आइंदा ऐसा कोई कोरियर रिसीव ना करे। लेकिन ये कौन है और क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? पता नहीं कौन, लेकिन जो भी है मुझे पता चल जाता ना, एक टांग तो उसकी मैं तोड़ चुका था अब तो। अच्छा छोड़ो इस बात को, मामू तुम्हारा कई बार पूछ चुके, अंदर चलो आ जा। चलो क्या बदतमीजी है ये? मुझे बात करनी है तुमसे। सॉरी मेरे पास फालतू टाइम नहीं। ये तुम ठीक नहीं कर रही। अच्छा और जो तुम कर रहे हो वो कौन सा एथिकल है? सलवा हम कहीं बैठकर भी बात कर सकते हैं। जब मैंने कह दिया है कि बात नहीं करनी तो फोर्स क्यों कर रहे हो मुझे? तो फिर एक बात अच्छी तरह से अपने ज़हन में बिठा लो, तुम किसी भी कीमत पे साथ से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम मेरे निकाह में,
तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है क्या? तुम होश में तो हो? मैं अभी जाके साद को बताती हूँ तुम क्या बकवास कर रहे हो यहाँ। अरे जिसको चाहे जाके बता दो, फिर उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। क्या कर लोगे तुम? गोली मार दोगे उसे? गोली मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वार्निंग दे रहे हो मुझे? सिर्फ समझा रहा हूँ तुम्हें, अपनी वजह से उसकी जिंदगी से क्यों खेल रही हो? बात बंद करो अपनी। ठीक है, फिर आज के बाद मुझसे बात करने के लिए तुम आओगी। फूल है तुम। ये तो वक्त ही बताए, क्योंकि मेरे मामले में वक्त सरपट घोड़े की तरह भागता है। चाहो तो लिख लो। यार ये हमदान के बच्चे को क्या हो गया है? बता तो रही हूँ, अकल घास चरने गई है उसकी। इस तरह धमकियां देना कहाँ की इंसानियत है? मेरा तो खून खौल रहा है नकी। मेरा ख्याल है तुम्हें साथ को बता देना चाहिए। मैं नहीं बता सकती, तुम नहीं जानती हो साथ को, वो लड़ने मरने पहुंच जाएगा उसके साथ। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? रहने दो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सलवा तुम हमदान को इतना लाइट मत लो। इतना भी कोई फन्ने खान नहीं है वो। सलवा तुम्हें अंदाजा नहीं है, ये रकाबत की आग इंसान को सरफिरा बना देती है। और हमदान तो शुरू से ही क्रेजी टाइप का लड़का है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा वो? कुछ दिन बाद मेरी और साथ की शादी हो जाएगी, उसके बाद वो ठंडा होकर बैठ। हाँ ये भी है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही। देख रही हो नगीन, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है, कैसे बीवियों की तरह रोप डालने की प्रैक्टिस कर रही है मैंने। तो तुम भी रोप सहने की आदत अभी से डाल, बाद में तुम्हारे लिए मसला नहीं होगा। हशर में कौन गवाही मेरी देगा सागर? सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आ रहे हैं। तुम थे कहाँ पर? बहुत ही प्यार से, दिल में बहुत अरमान लेके डॉक्टर अलवी साहब के पास गया था, हम दोनों की शादी का कार्ड लेकर। उन्होंने इतना लंबा लेक्चर देना शुरू कर दिया। इसका मतलब है तुम्हारी शादी को उन्होंने सीरियसली लिया? नहीं नहीं, हमारी शादी को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन लास्ट सेमेस्टर फ्रीज करवाने वाली आइडिया पर उन्होंने इतनी खरी खरी सुनाई, इतनी खरी खरी सुनाई, मैं बस कान बंद करके सुन रहा था। हाँ तो क्या कह रहे थे? बताया नहीं मैंने इसको अभी, कान बंद कर लिए थे मैंने, सुन नहीं रहा था मैं क्या बोल रहे थे, उनको सुनता कौन है। बहुत बुरे हो तुम, चलो उठो, अम्मा फोन करी है कब से। लेट्स गो। हाँ मुझे भी चलना है। आफ्टर यू। अरे यारी क्या धुआं किया हुआ चारों तरफ, कॉफी पी। ये तो वो धुआं है जो तुम्हें नजर आ रहा है। क्या मतलब? काश मेरे दिल में भड़कते हुए शोले भी तुम देख सकते। अच्छा देवदास बनने की जरूरत नहीं है कॉफी पी चुप करके। ये शादी तुम्हें नहीं होने दूंगा। कोई फजूल हरकत मत करना, कल माइयों है उनके घर पे। तुम जानते हो ना शादी उसके लिए नाजायज। जब वह शादी को मानती नहीं है तो क्या कर लेगा तुम? वो सबूत है तेरे पास? फतवा है मुफ्ती साहब का मेरे पास। मुखालफत में ना वह एक और फतवा ले आएगी। ऐसी ले आएगी मुखालफत में? गवाह मौजूद है मेरे। कैसी बातें कर रहे हैं, सब जानते हैं कि वो फिल्म का सीन था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। एक सबूत भी है। क्या? वो वक्त आने पर बता। वो खुदा का वास्ता है भाई, अब कोई फेक चीज मत ले आना। उल्टी सीधी असली नकली रियल और फेक ये तो वक्त आने पर ही बता सकते। एनीहाउ ये बता के साथ की मायों पे जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, साथ का मायों मैं कैसे मिस कर सकता हूं? आना तो पड़ेगा। ठीक है देखते हैं।
सोहा को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो आपको किसने कहा? तो फिर ये सारा सारा दिन रूम बंद किए अंदर क्यों लेटी रहती? तो और क्या करे वो बेचारी, भाई रात को मंगनी का फंक्शन है, जाके सलवा के पास बैठे। अरे आपकी भांजी तो मेरी बेटी को कभी मुंह ही नहीं लगाती, वो क्या करेगी उसके पास जाकर? भाई मैंने तो कभी कोई ऐसा नखरा नहीं देखा सलवा का। हाय, वो ये क्या सब कुछ आपके सामने करेगी? आपकी गैर मौजूदगी में क्या कुछ करती है? तौबा तौबा। अच्छा कर, छोड़ो इन बातों, तुम जाके आयशा की हेल्प कर जाओ। वो सब पार्लर गई हुई है। वो पार्लर गई है तो तुम मुंह सुजा के यहाँ क्या कर रही? तुम भी साथ चली जाती। अब देख नहीं रहे, मैं काम कर रही हूँ। आपको तो हर चीज में मेरा ही कसूर नजर आता है। ठीक है बे, ठीक, कल को जब तुम्हारी बेटी का मामला होगा ना तो तुमसे भी कोई नहीं पूछेगा। कोई मत पूछे, मुझे नहीं जरूरत किसी की। तो तुम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर खुश हो, और यही तरबियत तुमने अपनी बेटी की। हाँ हाँ, आपको तो सारी बुराइयां मुझ में और मेरी बच्ची में ही नजर आती है, और किसी में तो कोई बुराई नहीं है। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार, कैसी गैर मुनासिब बातें करती हो। आपके मुंह से तो जैसे फूल झड़ते हैं ना। एक तो मुझे मामा की बिल्कुल समझ नहीं आती। अब क्या हो गया? इतने दिन पहले मायूं में बिठाने की क्या जरूरत है? उनके जमाने में तो ऐसे ही होता था। मैं जानती हूँ, मुझे पहले से घर में बंद करना चाहती हैं वो। तो अच्छी बात है ना, रूप आएगा। एक्सक्यूज मी, ये रूप शूप ना आजकल पार्लर जाकर आ ही जाता है। जल्दी करो, मामा आ जाएंगी। यार इस गजरे का लॉक नहीं खुल रहा। ऐसे बना दो। सब्र करो, कर रही हूँ ना। ठीक है, चलो खुल के चलो। थैंक यू। अरे नो, साथ ने बुलाया होगा। तो इस लड़के को पता नहीं कब अकल आएगी। आज तो बोले कोई सुन लेगा। यार ये तुम मुझे कहाँ लड़कियों वाले फंक्शन में ले आए हो? तेरे यार ने बुलाया था, इसे जरूरी था।
तुम्हारे ना आज इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। सारे ठीक कहते, शराफत का तो जमाना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी साथ का है, नजर नहीं आ रहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उसी को फोन कर रही, लेकिन बेवकूफ लड़का उठा ही नहीं रहा। आप परेशान मत हो, मैं कॉल कर लूं। हाँ उसको कहना जल्दी आए, सब मेहमान आ चुके हैं, देर हो रही है। जी तुम फोन करो, मैं सलवा के पास जा रहा हूँ। अरे भाई रस्में कब शुरू करनी है, मेहमान सारे जा रहे हैं। बस वो अभी करते हैं, अभी करते हैं। क्या हुआ नईम साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं राना बेगम, साथ की गाड़ी पर किसी ने फायरिंग कर दी है। साथ खैरियत से तो है ना नहीं भाई, सब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, रिलैक्स रिलैक्स, साथ बिल्कुल खैरियत से है। हजर तुम मेरे साथ हो। साथ को जिंदगी दे, पता नहीं क्या होगी। हौसला कर, शुक्र करें अल्लाह ताला ने जान बचाई। हाँ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। आधी गवाही।